सबसे पहले हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत जल्द इस बीमारी से हमारे देश को छुटकारा मिले, भगवान भोलेनाथ से ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युरमोक्षेयमामृतात्। हे भोलेनाथ भगवान, आप सभी की रक्षा करना, सभी के शरीरों को स्वस्थ करना, सभी के शरीरों से रोग कष्ट का नाश करना, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आज के इस एपिसोड में मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 11 ऐसे उपाय जो भिखारी को भी करोड़पति बना सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे चमत्कारी एक से बढ़कर एक 11 उपाय बताने जा रहा हूँ, जो करने में भी बेहद सरल हैं। उन उपायों को आप आराम से कर पाएंगे और बहुत जल्दी आपको उन उपायों के करने से धन की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। मेरे प्यारे साथियों, हमारी कोशिश रहती है कि आप भक्तों के लिए अच्छे से अच्छे उपाय, अच्छे से अच्छे टोटके लेकर के आएं। मेरे प्यारे साथियों, हमारी कोशिश होती है कि जो उपाय, जो मंत्र, जो टोटके हम आपको बताते हैं, उनसे किसी का भी अहित ना हो और आपका कल्याण होता रहे। साथियों, जो भी उपाय हम आपको बताते हैं, वह उपाय पूर्ण सात्विक उपाय होते हैं, पूर्ण सनातन पद्धति पर आधारित ज्योतिषीय उपाय होते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 11 ऐसे दुर्लभ और चमत्कारी उपाय जो आपके घर पर लक्ष्मी को बढ़ा सकते हैं, आपके पास धन को बढ़ा सकते हैं। तो आज का यह एपिसोड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। आप 15 या 20 मिनट आराम से समय निकाल करके इस एपिसोड को पूरा देखें, क्योंकि अगर आपके पास वीडियो देखने के लिए इतना समय नहीं है और आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, तो मैं गुजारिश करता हूं कि आप अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप आज के इस वीडियो पर आए हैं, आपने आज के इस वीडियो पर क्लिक किया है, आप इस वीडियो से लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का यह एपिसोड आपने पूरा देखना है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज का अगर यह एपिसोड आप पूरा देख लेते हैं, तो आप कमेंट में खुद लिखेंगे कि पंडित जी, आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्तों से गुजारिश है कि हाथ जोड़ करके लक्ष्मी माता के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनको बारंबार प्रणाम करेंगे। या देवे सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी माता की। प्रिय बंधुजनों, एपिसोड को शुरू करने से पहले मेरी एक गुजारिश और है कि आपने एपिसोड को शेयर जरूर करना है, क्योंकि कोई भी एपिसोड, कोई भी वीडियो तभी वायरल होता है अगर आप उसे देखने के बाद आगे शेयर करते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि ज्योतिष के वीडियो भी आगे से आगे वायरल हों? क्या आप नहीं चाहते कि हम जो आपके लिए ज्योतिष के उपाय मंत्र लेकर के आते हैं, वे वीडियो ट्रेंडिंग में जाएं? तो इसलिए आपने हर एपिसोड को शेयर ज़रूर करना है, इतनी विनती है। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, चलिए अब हम आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। साथियों,
हम सभी की इच्छा होती है कि आज के समय में रहने के लिए अच्छा घर हो और हमारे पास सुख सुविधाएं हो। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे, हमारे पास कुबेर भगवान की कृपा बनी रहे। लेकिन उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, तभी हमारे पास धन आएगा। एक बात मैं आपको महत्वपूर्ण यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि केवल उपाय करने से आपको धन मिल जाएगा तो ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आप केवल उपायों के भरोसे रहते हैं, मंत्रों के भरोसे रहते हैं, तो आप हमेशा गरीब रहोगे। ये उपाय, मंत्र, टोटके उनके लिए काम करते हैं जो मेहनत करते हैं, जो अपने धन कमाने के लिए दिन रात लगन करते हैं, उन्हीं के लिए ये उपाय काम करते हैं। पहले मेहनत कीजिए, फिर पंडित जी के जो उपाय, जो मंत्र हैं, उनको आप करिए। आपको धन प्राप्त होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मेरे दर्शकों, सबसे पहले उपाय की अगर हम बात करते हैं, हमेशा साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से कुछ उपाय लक्ष्मी माता की प्रसन्नता के लिए हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनसे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। अगर लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी, हमारे पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह बात आप अच्छी तरह से समझ लें। पहला उपाय मैंने आपको बताया, हमेशा धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, क्योंकि जो व्यक्ति गंदे वस्त्र पहनता है, बिना धुले वस्त्र पहनता है, या जो फटे हुए वस्त्र पहनता है, ऐसे व्यक्ति से लक्ष्मी माता कोसों दूर चली जाती है। अगर आप धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो पहले पॉइंट को दिमाग में बिठा लीजिए, हमेशा साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र ही धारण करने चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उपाय नंबर दो के बारे में। तो आपने अपने मस्तक पर लाल रोली का तिलक जरूर लगाना है। साथियों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि लाल रंग माता को बेहद प्रिय होता है, और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारी ज्योतिषीय पद्धति के अनुसार, हर हिंदू को तिलक जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि तिलक लगाने से भाग्य में उन्नति होती है, आपका भाग्य बलवान होता है, और तिलक लगाने से आपके ग्रह प्रसन्न होते हैं। तिलक लगाने से आपके कुल देवता, आपकी कुल देवी प्रसन्न होती है, और साथ ही साथ तिलक लगाने से लक्ष्मी माता भी बेहद प्रसन्न होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कभी भी पैसे की कमी ना हो, तो हर सुबह नहा धोकर के शुद्ध होने के पश्चात अपने मस्तक पर लाल रंग का तिलक जरूर लगाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है, ध्यान देने वाला पॉइंट है। आज के प्रेजेंट टाइम के अनुसार बहुत लोगों में ऐसी गलत आदत पड़ रही है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। अपने पैसे को कभी भी जुए में न लगाएं, अपने पैसे को कभी भी सट्टे में न लगाएं, अपने पैसे को नशे में ना उड़ाएं, अपने पैसे को गलत हरकत में ना उड़ाएं। अगर आप जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, नशा करते हैं, या और कोई गलत आदत है जिसमें आप अपना पैसा लगाते हैं, तो ऐसा करना साक्षात लक्ष्मी माता का निरादर करना होता है। जो व्यक्ति हर समय ये गलत चीज़ों में अपना पैसा लगाता है, उससे लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं, और आने वाले समय में भयंकर गरीबी का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है जो नशा करते हैं,
चोरी करते हैं, जो जुआ खेलते हैं। तो इसलिए इन गलत आदतों से भी हमेशा बचना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब रुक कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाते हो, चाहे आपकी कमाई 5,000 है, चाहे 15,000 है, चाहे 25,000 है, आपने हर महीने अपनी कमाई का कुछ भी हिस्सा, मैं ये नहीं कहता कि आप 1,000, 2,000, 500, नहीं, आप अपनी कमाई में से 5 रुपए भी अगर निकालते हैं और किसी ज़रूरतमंद के लिए आप खाने की कोई वस्तु पैसे नकद में ना दें, ये बात ध्यान रखनी है। खाने की कोई वस्तु, बिस्किट हो, ब्रेड हो, रोटी हो, कुछ भी हो, आपने अपनी कमाई में से खाने पीने की कोई वस्तु गरीब को ज़रूर देनी है हर महीने। इस बात का ध्यान रखना है, चाहे आप 5 रुपए का दें, चाहे 50 का दें, वो आपकी इच्छा है। ऐसा करने से आपका भाग्य बलवान होगा, आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, आपकी, अगर आपका कोई शत्रु है, आपके शत्रुओं का अंत होगा, परमात्मा आपकी नौकरी में तरक्की देंगे। तो हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा, कुछ ना कुछ हिस्सा, ज़रूरतमंद गरीबों को खाने पीने की कोई वस्तु ज़रूर दान करें। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। लाल रंग का फूल कोई भी हो, चाहे वह गुलाब का हो, चाहे वह कोई भी हो, लाल रंग का फूल आपने हमेशा अपने पर्स में या फिर जेब में रखना है। ध्यान रखना है कि आपने नीचे के हिस्से में उसको नहीं डालना है, आपने अपने हृदय के पास उस फूल को रखना है। लाल रंग का फूल हमेशा आप अपने साथ रखें। जब तक आप अपने साथ लाल रंग का यह फूल रखते हैं, तब तक लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न रहती हैं और आपके धन के भंडारे भरती रहती हैं। तो कोशिश करें कि सदैव अपने साथ लाल रंग का पुष्प ज़रूर रखें। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अक्सर कई लोगों में यह आदत देखी जाती है कि उन्हें ज़रूरत ना भी हो तो भी वे उधार लेते हैं। कई व्यक्तियों को देखा जाता है कि अगर उनकी स्वयं की जेब में भी पैसे हैं तो भी वे उधार लेते हैं। भाई ऐसा क्यों करते हो? जब आपके पास लक्ष्मी माता की कृपा है, आपके पास माता ने इतनी शक्ति दी है कि आपको कोई सामान लेना है, आपके पास धन है, लेकिन फिर भी आप दूसरों से उधार मांग रहे हैं, तो यह बहुत गलत है। ऐसा करने वाले व्यक्तियों को भविष्य में जाकर के पैसे की तंगी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि अपने पास पैसे होते हुए भी जो व्यक्ति दूसरों से उधार लेता है, ऐसे व्यक्ति के पास ज़्यादा देर तक लक्ष्मी माता नहीं टिकती और उसको बहुत जल्दी ऐसा दिन देखना पड़ता है कि उसके पास पैसा नहीं रहता और उधार मांगने पर भी कोई उसे उधार नहीं देता। इसलिए कोशिश करें कि किसी से भी आप उधार ना लें अगर आपके पास स्वयं के पास पैसा है, और जब तक आपको ज़रूरत नहीं है किसी से भी उधार लेने से बचना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अक्सर कई बार देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने पैसे को ऐसे ही उधार दे देते हैं और उनका बहुत सा पैसा फंस जाता है, और फिर वे जगह जगह पूछते फिरते हैं कि हमारा पैसा फंस गया है, हमारा पैसा वापस नहीं आता, पंडित जी हमें उपाय बताइए, हमने इतना पैसा उधार दिया हुआ है, वह पैसा देने में अब आनाकानी कर रहा है। तो एक बात आप अपने ध्यान में रख लो कि सूर्य के अस्त होने के बाद आपने कभी भी किसी को पैसा उधार नहीं देना है।
और अगर आपको लगता है कि यह व्यक्ति पैसा उधार लेने के बाद उसको वापस नहीं करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को भूलकर भी आपने अपना पैसा नहीं देना है। या ऐसा व्यक्ति जिसका आपको पता है कि इसका लेन देन बहुत खराब है, यह किसी के पैसे लेकर वापस नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को तो एक रुपया भी उधार देना आपकी मूर्खता कहलाएगी। कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति को उधार ना दें जो विश्वास का पात्र ना हो। अगर उधार देना है तो सूर्यास्त से पहले उधार देना है, सूरज छिपने के बाद आपने कभी भी किसी को उधार नहीं देना है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता के मंदिर में जाकर के आपने माथा जरूर टेकना है। जी हाँ, आपने अपने आसपास के किसी भी मंदिर में फ्राइडे के दिन जाना है, शुक्रवार के दिन जाना है, वहाँ पर लक्ष्मी माता के लिए शुद्ध देसी घी की जोत लगानी है, उनको कुछ दक्षिणा चढ़ानी है, वहाँ पर माथा टेकना है, लक्ष्मी माता से प्रार्थना करनी है कि हे लक्ष्मी माता, आप मेरे घर में स्थिर रूप में निवास करना, मुझे कभी भी आपकी कमी का अनुभव ना हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपने वहाँ पर मस्तक झुका करके लक्ष्मी माता को प्रणाम करना है। कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं होगी, कभी भी आपको पैसे की कोई तंगी नहीं आएगी। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला उपाय है, पेड़ पौधों पर भी हमारे काफ़ी हद तक भाग्य निर्भर होता है। पहले भी इसके बारे में कई एपिसोड मैंने बनाए हैं कि पेड़ पौधे लगाना मानव जीवन का एक बहुत पुण्य का काम होता है। और अगर हम बात करते हैं धन के बारे में, लक्ष्मी के बारे में, तो उस मामले में भी कई पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा टिका रहे, आपके घर में पैसे की कमी ना हो, तो अपने घर में आपने मनी प्लांट का पौधा जरूर लगाना है। मनी प्लांट का पौधा एक ऐसा पौधा है जिन घरों में यह होता है और जिन घरों में यह पेड़ पौधा फलता फूलता है, ऐसे घरों में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे, तो अपने घर में मनी प्लांट का पौधा लगाएं, अच्छी तरह से उसकी देखभाल करें, जिससे आपके पास धन संपत्ति हमेशा बनी रहे। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की पत्नी है। बहुत हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो लक्ष्मी माता भी स्वयं आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने का जो सबसे सरल उपाय है वह है एकादशी का व्रत करें। जिन घरों में जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, ऐसे परिवारों पर हमेशा विष्णु नारायण लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको धन की कमी ना हो, आपको लक्ष्मी की कमी ना हो, तो एकादशी का व्रत जरूर करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, लक्ष्मी माता का पूजन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। प्रिय साथियों, महीने में एक बार 11 रुपए का प्रसाद लेकर के लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जरूर चढ़ाना है। जो पैसा आप अपनी नौकरी से कमाया है, जो पैसा आपने अपनी मेहनत से कमाया है, उसमें से 11 रुपए, या अगर आपकी क्षमता ज़्यादा की है 21-51, जो भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। महीने में एक बार आपने कुछ दक्षिणा का प्रसाद लेकर के लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जरूर चढ़ाना है। ऐसा करने से भाग्योदय होता है, लक्ष्मी
माता प्रसन्न होती है, आपके धन के संकट दूर होते हैं, आपके पास धन आने के सभी द्वार खुलने लगते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, ये 11 चमत्कारी एक से एक बढ़कर दुर्लभ दिव्य उपाय मैंने आपको बताया है। इस वीडियो को आपने ट्रेंडिंग में लेकर के आना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप सभी भक्तों का साथ होगा, तभी हमारे एस्ट्रोलॉजी के, ज्योतिष के वीडियो भी वायरल होंगे, ट्रेंडिंग में आएंगे, अगर आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता की, ओम नमः शिवाय, जय लक्ष्मी माता।